जोयानंद सिंधु सुख राशि सीकरि ते त्रय लोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दा यक विश्रामा सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा विश्व भरण पो शन कर जोई ताकर नामा भरत यस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता मैया की जय। आज से हम लोग पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंगों का अवलोकन करेंगे। आज से हम लोग पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंगों को देखेंगे और सुनेंगे। आप ध्यान करिए कि आपके हृदय में भगवान श्री राम की मंगलमयी मूर्ति जगत जननी माँ सीता के साथ विराजमान है और आपका सिर उनके चरणों में झुका हुआ है और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी प्रार्थना। रामाय नमः, राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, श्री सीतापतये नमः। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद की तरफ हम लोग चलते हैं आज। कथाएं बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हो रही हैं, बहुत सुंदर कथाएं संत सुना रहे हैं और खूब आनंद आता है। आजकल तो कहीं भी बैठे रहिए भगवान की कथा सुनने का आनंद मिल ही जाता है। भारत में कथा होती है और यहाँ हम सुन लेते हैं, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि दूरदर्शन के माध्यम से तो सुनते ही है। सौभाग्य की बात है कि हम दक्षिणेश्वर धाम में सामने बैठ करके भगवान श्री राम के सामने बैठ कर उनके गुण सुनते हैं, यह परम सौभाग्य की बात है। और श्री दक्षेश्वर धाम एक तीर्थ स्थल है इस देश में, नीदरलैंड में। यह डच शब्द ही दक्ष से बना है, इसलिए दक्षेश्वर धाम। तो भगवान श्री दक्षेश्वर की हम सब पर कृपा बनी रहे और यह कथा हम कह पाए और आप सुन पाए, हम समझा पाए, आप समझ पाए, ऐसी शक्ति भगवान हमको दे। तो आज से एकादश स्कंद की कुछ कथाएं हम आपको सुनाएंगे। तो एकादश स्कंद का जो प्रथम अध्याय है तो उसमें वेद व्यास लिखते हैं, कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सर्वतो
रामो युधि मृत भुवो अवतार यद भारम जविष्ट जनयन कलीम। व्यास जी लिखते हैं और सुखदेव जी कथा को सुनाते हैं किसको, परीक्षित जी को। और परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ, उसके साथ जो यदुवंशी है उनके साथ मिलकर के बहुत सारे दैत्यों का संहार कर दिया। और दैत्यों का संहार करने के लिए, धरती का भार हरने के लिए, देखिए धरती का, आप कहेंगे कि धरती का भार केवल दैत्य ही है, धरती सब कुछ सह लेती है, सब सह लेती है धरती, पेड़ पौधे पहाड़ नदियां सब कुछ धरती सहन लेती है, उठा लेती है, इनका भार सह लेती है, लेकिन परद्रोही का भार सहना बहुत मुश्किल हो जाता है धरती को। तो धरती जब व्याकुल होती है तो भगवान प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो जो परद्रोहरत राक्षस हैं, दैत्य हैं, उनका संहार करते हैं। तो भगवान ने ऐसी रचना रची कि पांडव और कौरवों के बीच मारकाट मची, कलह उत्पन्न हुआ, और सभी जो दोनों तरफ पांडवों की तरफ और कौरवों की तरफ जो दैत्य वृत्ति के लोग थे, राक्षस वृत्ति के लोग थे, उस सबको भगवान ने वध करा दिया, सबका पृथ्वी का भार कम कर दिया, पृथ्वी प्रसन्न हो गई। और कैसे किया, कौरव ने कपट पूर्वक जुआ खेला और पांडव ने जुए के खेल में द्रौपदी को हार गए, तमाम तरह का अपमान सहा, और कौरव ने द्रौपदी के बाल को खींचा। पांडव अत्यंत क्रोधित हो गए, इन्हीं पांडवों का बहाना बना करके भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्ष के एकत्र हुए पापी अत्याचारी राजाओं का वध करा दिया और धरती का हार हल्का हो गया। और भगवान अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी का भार, राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा, ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि भगवान कृष्ण को ज्ञान से नहीं समझा जा सकता, विचार किया। क्या विचार किया, कहा धरती का भार तो दूर हो गया लेकिन मेरी दृष्टि में अभी दूर नहीं हुआ। क्यों, लगे सोचने, मेरा जो वंश है यदुवंश, यह उच्च श्रृंखल हो रहा है, मनमानी कर रहा है और इसको कोई हरा नहीं सकता। देखिए भगवान कृष्ण अब अपने ही वंश, अपने ही परिवार के बारे में, भगवान समदृष्टि है ना, समदृष्टा बराबर सबको सम रूप से देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें अपने परिवार की गलतियां दिखाई नहीं पड़ती, हम छिपाते हैं, गलतियां होने के बाद भी मान लेते हैं नहीं गलती नहीं, यही इसी को मोह कहा गया है। अपने की गलती न दिखाई दे पड़े और दूसरे की अच्छाई भी गलत दिखाई पड़े, यह मोह है। कि भगवान तो मोह में फंस नहीं सकते, अत्याचारियों का वध करा दिया भगवान ने, अब भगवान को लगा कि मेरा भी परिवार अत्याचारी होता जा रहा है, उच्च श्रृंखल होता जा रहा है, और इसको कोई हराने वाला नहीं, इसको कोई दंड देने वाला नहीं है, यह मेरे आश्रित है, मैं इसकी रक्षा करता हूं। धन हो गया, पैसा हो गया, रुपया हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, तो यदुवंशियों को भी अहंकार हो गया कि मुझे संसार में कोई नहीं हरा सकता, और कृष्ण भगवान के जो
संतानें थीं वो मनमानी करने लगी। इनकी अब इनको सुधारने का कोई उपाय नहीं रहा। भगवान ने सोचा कि दैत्यों का वध मैंने कर दिया, दुष्ट राजाओं का वध करा दिया, और अब जो है ये जो है धरती के भार बन रहे हैं, संतों का, साधुओं का, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, मैं ऐसी कुछ रचना करूं यदुवंश भी नष्ट हो जाए, नहीं तो बड़ा अत्याचार करेंगे, संसार नष्ट कर देंगे। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि जैसे बांस आपस में घिसता है ना, बांस घिसते 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 एक दूसरा बांस घिसते घिसते आग पैदा हो जाती है और पूरा बांस का जंगल जल जाता है, तो कहा मैं ऐसा कलह खड़ा करूंगा इसी वंश में, यह यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा, इसके बाद मैं शांति पूर्वक अपने लोक को जाऊंगा। देखिए भगवान वही जो किसी में भेदभाव न करे, न अपना पराया। माया क्या है? मैं और तोर तोर ते माया, जही बस कीने से जीव निकाया, ये मेरा है ये उसका है, मेरा है तो अच्छा है, दूसरे का है तो खराब है, यही माया, मेरा और तेरा। भगवान क्या करते है? नहीं, अत्याचारी अत्याचारी है, साधु साधु है, अत्याचारियों को मुझे दंड देना है, साधुओं को बचाना है। तो भगवान क्या, जब परिवार अत्याचारी हो गया तो भगवान अपने परिवार को नष्ट करने के लिए। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित सुनो, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके श्राप दिलवा दिया अपने ही कुल को, निश्चय करके ब्राह्मणों के श्राप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला और सबको समेट करके अपने लोक को गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोक की सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। दुनिया में कितना भी कोई सुंदर हो, कितनी बड़ी सुंदरता हो, और भगवान की वह जो मूर्ति थी, जैसे जैसे ही कोई दर्शन कर लेता फिर कुछ उसको अच्छा नहीं लगता। त्रैलोक्य में सबसे सुंदर भगवान, जिसने भगवान की एक बार आंख देखी तो आंख देखता रह गया, बाणी सुनी तो बाणी सुनता रह गया। उनकी बाणी बहुत ही मधुर है और दिव्याति दिव्य है भगवान की वाणी, बहुत दिव्य, जो सुनता है और सुनता है और सुनता है और सुनता है, कभी थकता है। जो उनके याद कर लेता है उसका चित्त भगवान में लग जाता है। भगवान का चरण संसार में सबसे सुंदर है, भगवान के पैरों के बराबर किसी की सुंदरता नहीं। जिसने भगवान के चरणों का दर्शन कर लिया फिर संसार अच्छा नहीं करता, फिर बहिर्मुखी नहीं हो सकता, फिर अंतर्मुखी हो जाता है, बार बार इच्छा होती है भगवान के चरणों का दर्शन, प्रपंच से, ये संसार से, माया से, पाप से मन दूर हो जाता है और अनायास ही उसकी कीर्ति चारों तरफ है। और भगवान के रूप का, भगवान के वचन का, भगवान के गुणों का कवियों ने बहुत सुंदर भाषा में वर्णन किया है, बहुत सुंदर भाषा। कहा भगवान चले जाएंगे तो क्या, भगवान अगर धरती से अपने लोक को प्रस्थान करे चले गए तो कौन सुख देगा संसार को? कहा भगवान का जो कीर्तिकान होगा, भगवान की जो कथा होगी, भगवान का जो की कथा जो सुनने वाले हैं, जो स्मरण करने वाले हैं, जो ऐसा करेंगे, भगवान के रूप का ध्यान करेंगे, भगवान की लीला की कथा सुनेंगे, भगवान के धाम जहां जहां भगवान ने लीला की वहां जाएंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे,
वो अनायास ही इस संसार सागर से पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो भगवान ने प्रस्थान कर दिया, अपने लोक को गए। राजा परिचित प्रश्न कर बैठे, ब्रह्मण्यानाम वदन्यानाम नित्यं वृद्धोपसेविनाम विप्रसाप कथम भूत कृष्णिनाम कृष्णचेतसाम। परिचित ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी महाराज, एक प्रश्न है मेरे मन में। कहा क्या? कहा यदुवंशी तो बड़े ब्राह्मण भक्त थे, जहां भी ब्राह्मण मिलता था उनको प्रणाम करते थे, उनका सम्मान करते थे, और यदुवंश के लोग तो बड़े उदार थे, उदारता की भी कमी नहीं थी, और वृद्ध लोगों की सेवा भी करते थे। ऐसा नहीं कि कोई बूढ़ा मिल गया तो उसको कह दे चल जाओ जाओ, एवं नहीं थे, बोल देते लोग ना क्या करते, यह अपमान है यह बोलना औदरदोम, यह अपमान है। वृद्ध के पास बैठिए, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, उनके जीवन का पूरा अनुभव मिलेगा, उनकी सेवा। यदुवंश के लोग भी यही करते थे, वृद्धों की सेवा करते, निरंतर सेवा करते। और सबसे बड़ी बात है, यदुवंश के लोग बराबर भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे। इतना कुछ होने के बाद भी यदुवंशियों ने कैसे ब्राह्मण का अपराध कर दिया, और क्यों ब्राह्मणों ने यदुवंशियों को श्राप दे दिया? यन्निमित्त सवै सापो यादृश द्विज सत्तम कथमेकात्मनां भेद एत स्वर्वदस्वमे। भगवान, ब्राह्मण लोग तो भगवान के बड़े प्रेमी है, जो भगवान को प्रेम न करे वो ब्राह्मण नहीं, और ब्राह्मण लोग तो भगवान को बड़ा प्रेम करते हैं, तो सात का कारण क्यों श्राप दे दिया, और फिर समस्त यदुवंशियों को श्राप दे दिया, और समस्त यदुवंशियों के आत्मा स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान कृष्ण ही थे, फिर भी उनमें फूट कैसे हो गई, यदुवंशी आपस में लड़े कैसे? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री सुकम उवाच, सुखदेव जी महाराज बोल दिए। कहा भगवान श्री कृष्ण ने, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज परिचित सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था। भगवान ने कैसी शरीर धारण की थी? जितनी भी सुंदरता हो सकती थी सब कुछ भगवान के शरीर में था, सारी सुंदरता इकट्ठी हो गई थी। भगवान ने जिस रूप का धारण किया था, भगवान के नयन जो है मृगों की तरह बड़े बड़े थे, कंधे शेर की तरह थे, चरण एकदम कमल की तरह था, और भगवान ने संसार में बहुत मंगलमय आचरण किया, और प्रभु पूर्ण काम थे, और द्वारिकाधीश में रह करके बराबर क्रीड़ा करते थे, खेलते रहते थे, और उन्होंने बड़ी उदार कीर्ति की स्थापना की थी, और अंत में श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के संहार के उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान ने सोचा कि अब तो मैंने बहुत बढ़ा लिया सब कुछ, उसका थोड़ा अब संवरण करना चाहिए, अब थोड़ा उपसंहार करना चाहिए, थोड़ा छोटा करना चाहिए। मनुष्य बढ़ा बहुत कुछ लेता है लेकिन छोटा नहीं कर पाता, और मनुष्य बस बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता है, और छोटा करने में उसे पीड़ा होती है अगर छोटा होने लगता है। भगवान क्या है? बढ़ाते हैं, बढ़ाते फिर छोटा भी कर लेते हैं भगवान, लय और प्रलय सब कुछ लय हो जाता है भगवान में, सब लय हो जाता है, सब भगवान में समा जाता है,
फिर भगवान फिर विस्तार कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई पीड़ा नहीं होती, तो लीला है उनकी। भगवान ने भी देखा, परिचित भगवान ने देखा, बहुत बढ़ गया मेरा परिवार, बहुत हो गया, अब इसको जो है लय की तरफ ले जाना है, अब इसको छोटा करना है, अब इसको लीला संवरण करना है। भगवान कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय पुण्य कापक कर्म किए जिनका ज्ञान करने वाले के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान ने ऐसे ऐसे लीला की, ऐसी ऐसी सुंदर लीला की, जो लोग उसका गान करते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग सुनते हैं, कलयुग के सारे पाप अगर उन्होंने किए हो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान वसुदेव जी के घर में यादवों का संहार करने के लिए अब भगवान ने काल रूप धारण करके वसुदेव जी के यहां निवास किया। अभी तक तो बहुत प्रेम रूप था उनका, अब भगवान ने काल रूप का धारण कर लिया यदुवंशियों को नष्ट करने के लिए। कहा एक समय द्वारिकापुरी में विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आए और वहां निवास करने लगे थे। एक दिन क्या हुआ, क्रीडन्तस्तानुपप्रज्ञ कुमारा यदुनंदना उपश्रृंग प्रपुच्छुर विनीता विनीतिवत। एक दिन क्या हुआ, यदुवंश के कुछ उदंड राजकुमार, उदंड होते हैं ना, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, होते हैं ना उदंड बच्चे, एकदम बात नहीं मानते, साधु संतों का अपमान करते हैं और सब साधु उनको ढोंगी ही दिखाई पड़ते होते हैं कुछ लोग ना, अरे बच्चे ही नहीं भी आजकल बड़े बूढ़े भी मिलते हैं, जो भी साधु दिखाई पड़ा तो ढोंगी है, तो लालची है, तो लुटेरा है, तो चोर है, क्या क्या बढ़िया 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 नाम देते हैं, होते होंगे लेकिन सभी नहीं। और साधु संत तो कभी भी नहीं, साधु संत तो कभी भी नहीं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के परिवार में भी कुछ बच्चे हो गए और एक दिन खेलते 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 उनके पास पहुंच गए। उन्होंने देखा ये बाबा जी लोग बैठे, दाढ़ी है, ध्यान कर रहे, जप कर रहे, पूजा कर रहे और बनावटी, क्या किया कृष्ण भगवान के बच्चों ने, बनावटी रूप, बनावटी रूप दिखावा के लिए, कोई प्रेम बस नहीं, कोई श्रद्धा बस नहीं, गए। और जब गए उनके पास, उन ऋषियों के पास, तो दिखावटी नाटक किया कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत प्रेमी हूँ आपका, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। होते हैं लोग ना, मंदिर में जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, ऐसा ज्ञान बताएंगे जैसे उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, और बाहर निकले तो बस देखो मैंने क्या बना, कुंडली दिखा ली, आशीर्वाद दे दिया, इससे भला नहीं होता, नाश होता है। तो कृष्ण भगवान के परिवार के जो तो नौजवान बच्चे थे, वो बनावटी नकली प्रेम दिखाते हुए उनके पास जाकर के प्रणाम किया और किया क्या, कृष्ण भगवान की एक पत्नी का नाम था जाम्बवंती। जाम्बवंती कौन थी, जामवंत की पुत्री थी। अब जामवंत की पुत्री कैसे हुई, प्रेम को रामायण पढ़ा, जामवंत की पुत्री नहीं थी, पुत्री थी। भगवान श्री राम सज धज के गए थे कहां, जनकपुरी। तो जामवंत तो बूढ़े थे,
जामवंत ने भगवान श्री राम से कहा कि भगवान मैं भी आपके जैसा ही दामाद चाहता हूं। तो भगवान श्री राम बोल पड़े, देखो मैं इस जन्म में मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, मैं एक ही विवाह करूंगा, दूसरा कर नहीं सकता। जब कृष्ण अवतार में आऊंगा मैं तो मैं अपना दामाद बन जाऊंगा। भगवान राम जब श्री कृष्ण बने, लंबी कथा है, किसी प्रसंग में किसी दिन सुनाऊंगा किस तरह विवाह हुआ, भले युद्ध हुआ जामवंत का और कृष्ण भगवान का। तो जामवंत जी ने पूछ दिया कि भगवान आप कह रहे अगले अवतार में आप हमारे दामाद बनेंगे, लेकिन अगले अवतार में मैं पहचानूंगा कैसे आपको? कहा मैं आपसे युद्ध करूंगा और आप तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और मैं आपको हराऊंगा, और जब आप हार जाएंगे तब जानिए कि मैं आ गया। तो भगवान कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ। जामवंत जब हारने लगे तो हाथ जोड़ लिया, कहे महाराज मुझे याद आ गया, अब तो भगवान श्री राम और आपने उससे वचन दिया है आपने कि आप हमारे दामाद बनेंगे, देखे मेरी पुत्री जामवंती है इसका नाम, अब आप इसके साथ विवाह करें। तो भगवान कृष्ण ने जामवंती से विवाह किया और जामवंती से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम था सांब। और सांब का विवाह हुआ था लक्ष्मणा से। लक्ष्मणा कौन थी? लक्ष्मणा थी दुर्योधन की बेटी थी। तो भगवान कृष्ण और दुर्योधन संधि संधि भी थे। कथाएं होती रहेगी, मैं आपको सुनाऊंगा कभी। तो जामवंती के पुत्र का नाम था सांब। सांब को क्या किया, यदुवंश के बच्चों ने एक लड़की का कपड़ा पहनाया, साड़ी ओड़ी पहनाई, टीका उका पहनाया, मांग में सिंदूर भरा और लेके गए महाराज के पास, संतों के पास, जो वहां संत बैठे थे जिनका नाम मैंने बताया। तो कहते क्या है वो सुनिए, बड़ा अच्छा कहते। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् अब्रूतामोघ दर्शना प्रसोसयन्ति पुत्र कामा ईस्वित संजनिष्यति। कहा ब्राह्मणों विप्रगण, यह बहुत सुंदर कजरारी आंखें वाली लड़की गर्भवती है। सांब कौन था? लड़का था, उसको सजाए थे। कहा यह लड़की है गर्भवती है, ये आपसे कुछ पूछना चाहते लेकिन शर्माती बहुत है, इसलिए चेहरा ढके हुए पूछ नहीं पा रही आपसे। तो अब ये बताइए, हम लोग इसके लिए पूछते हैं और आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, आप तो जानते ही हैं, सारा कुछ जानते हैं आप सर्वज्ञ हैं, और इसके पेट में जो बच्चा है ये जानना चाहती है पुत्र होगा या पुत्री होगी। वो क्या किए थे, छोटा सा मूसल उसके पेट में बांध करके कपड़ा पहना दिया, तो पेट खुला हुआ दिखाई पड़ रहा था उसका सामने का। कहा हम लोग जानना चाहते हैं कि इसके पेट में इसे पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी। अब प्रसव, अब जल्दी बच्चा पैदा भी होने वाला है, अरे भाई ऐसी कोई मशीन नहीं रही होगी उस समय कि देख ले पुत्र है कि पुत्री है, अब तो देख लेते हैं ना। तो ऋषि के पास ले गए, आप बताइए अब पुत्र होगा या पुत्री होगी। सुखदेव महाराज कहते परीक्षित, जब उन राजकुमारों ने ऐसा मुनियों से पूछा और धोखा करना चाहा, तो ऋषि लोग क्रोधित हो, कहा इतना बड़ा अपमान। उन्होंने समझाने की कोशिश की, क्रोध में भी ऋषि समझाने की कोशिश की, क्या कहते, कारे मूर्खों, या न पुत्र पैदा होगा इसके पेट से न पुत्री, इसके पेट में एक मूसल है, मूसल पैदा होगा, मूसल समझते हैं ना, मूसल, और वह मूसल जानते हो कैसा होगा, वह मूसल जब पैदा होगा तो पूरे यदुवंश को नष्ट कर देगा, सावधान। अभी तो ये लोग गए थे मजाक उड़ाने,
कृष्ण भगवान के बच्चे। अब वहां तो बात बदल गई, संतों ने कह दिया कि तुम्हारा तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा। बच्चे डर गए, सब डरने लगे। अरे बच्चे क्या थे, बच्चे छोटे बच्चे थोड़ी थे, बहुत बड़े थे, सांब प्रधुम्न बड़े थे, इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों की ना, लोगों की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो साधु संतों का मजाक उड़ाते। गए साधु ने बता दिया सत कि इसके पेट में मूसल है और उस मूसल से पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। वो लोग क्या किए, जल्दी जल्दी खोले पेट उसका, तो उसमें मूसल तो था ही। अब मूसल को लेकर के लगे पछताने, कहा बड़ी गलती हो गई। किम कृतम मंद भाग्य किम वदिष्यन्ति नो जना इति विह्वलिता गृहानादाय मुसलम ययो। अब वो पछताने लगे, घबराने लगे, कहा हम तो बड़े अभागे हैं, देखो हमने यह क्या अनर्थ कर दिया, अब हम लोग क्या कहेंगे, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, ब्राह्मण की बात असत्य होगी नहीं, अब तो कुल का नाश हो गया। और वो मूसल लिए 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 अपने घर पर, उनके चेहरे काले पड़ गए थे, फीके पड़ गए थे, कुमला गए थे, हंसते रहते थे। और ले जा करके वह मूसल वहां यादवों की सभा में रख दिया। और यादवों के जो राजा थे उनका नाम था उग्रसेन, उग्रसेन को सारी बात बताई। अब देख गलती तो कर चुके, उग्रसेन को सारी बात बताए भी, उग्रसेन ने जब सुना कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया है, तो उन्होंने के क्या किया, तो डर तो गए, कहा ब्राह्मणों का श्राप है, ये झूठ तो होगा नहीं, एक काम करो, क्या कहा, मूसल को पिसवा दो, पाउडर बना दो, न मूसल रहेगा न हमारे यदुवंश का नाश होगा। और क्या करो, कहा इसको पानी में, समुद्र में डाल दो मूसल को। तो उग्रसेन ने क्या किया, यही होता है, हम लोग अपने नाती पोते का बड़ा, हाँ उग्रसेन के कौन थे सर, नाती पोते ही थे ना, वो सोचे नाती पोते हैं, कृष्ण को नहीं बताते हैं, कृष्ण को बताएंगे कृष्ण क्रोध करेंगे। तो अब नाती पोतों को बचाने के लिए उन्होंने मूसल को पिसवा दिया, और पिसवा करके उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया पूरा मूसल। पाप करना हो जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन उसको छिपाना तो और भारी गलती है, और फिर भगवान से छिपाना, कभी नहीं छिपाना चाहिए। पाप अगर हो जाए तो बोल देना चाहिए, हो सकता है कोई कुछ उपाय बता दे जिससे पाप कट जाए, लेकिन पाप किया। और उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा नहीं, भगवान कृष्ण से छिपा गए, और छिपा करके उस मूसल को पिसवा दिया, उसका पाउडर बनवा दिया, और उसको समुद्र में फेंकवा दिया। अब देखिए वो मूसल जो है, मूसल होता है, देखे हैं मूसल कि नहीं देखे, मूसल में एक तरफ लकड़ी रहती है और बीच में नीचे की तरफ एक तरफ लोहा रहता है। अब मूसल लकड़ी का होता है, लकड़ी वाला तो पिसा दिए, पाउडर बन गया, पानी में फेंकवा दिए, लेकिन वो जो लोहा था वो टुकड़ा हो गया। जब टुकड़ा हो गया, जब समुद्र में फेंका तो उस लोहे के टुकड़े को मछली खा गई, और जो पाउडर था, जो चूरा था, वो बह करके फिर से नदी के किनारे आ गया। और फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिनों बाद वहां पर वही जो है बांस बन बन के प्रकट हो गया, जो पाउडर था उसका मुसल का, वो बांस बन करके पैदा हुआ, और जो लोहे का टुकड़ा था मुसल का, वो मछली खा गई। तो मत्स्यो गृहीतो मत्स्यग्नये जाले नान्यै सहर्णवे तस्योदरगतं लोहं सशल्यो लुब्धको करोत्। का मछली मारने वाले मछुआरे ने
दूसरी मछली के साथ उस मछली को भी पकड़ा जो लोहा खा गई थी। उसके जब मछली को काटा तो लोहा का टुकड़ा निकला, और वो टुकड़ा जो है एक जरा नाम का एक पहेलिया था उसको दे दिया। उस लोहे को टुकड़े को जरा नाम के बहेलिया ने अपने तीर में लगा। अब देखिए संजोग बनता जा रहा है ना, जो पाउडर था, जो टुकड़े थे, जो चूरा था मूसल का, वो समुद्र के किनारे पास बन के पैदा हो गया। जो लोहा था मूसल का, वो मछली खा गई, और मछली से मछुआरे ने खा गया, मछुआरे ने जरा नाम के बहेलिए, उस बहेलिए ने उसको अपने तीर में लगा लिया कि मैं शिकार करूंगा। भगवान सब कुछ जानते थे, इस श्राप को भगवान पलट भी सकते थे, लेकिन उन्होंने पलटा नहीं। भगवान ने कहा अब जो हो रहा है होने दो। तो फिर अंत क्या हुआ? अंत में एक दिन भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार, पूरा यदुवंश जल क्रीड़ा करने गया। जल क्रीड़ा करने गया मतलब पानी में खेलने गया, और वहां खेल में झगड़े हुए, और जब झगड़े हुए तो अब पानी में खेल रहे, कोई हथियार तो किसी के पास था नहीं, वह जो मूसल का टुकड़ा जो पास बन के पैदा हुआ था उसी को एक दूसरे ने उठा लिया और एक दूसरे को मारा, पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। और जो जरा नाम के बहेलिया ने जो अपने तीर पर मूसल का लोहा लगाया था, भगवान एक दिन जंगल में सोए हुए थे तो भगवान का जो पैर था वो चमकता था। उस जरा नाम के बहेलिया ने सोचा ये तो हिरण की आंख है, मैं इसका शिकार करूंगा। बहेलिया ने तीर मारा और भगवान के चरण में वह लग गया, और वह दौड़ करके गया तो देखा वहां भगवान थे, वहां हिरण नहीं। वह हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, भगवान मुझसे गलती हो गई, नहीं मैं इसी बहाने अपनी लीला समाप्त करूंगा। यही है, यही कारण बनेगा, और अब मैं लीला समाप्त करता हूं। तो भगवान स्वयं इस लोक को छोड़ करके गए, और लोक को छोड़ने से पहले भगवान ने अपने पूरे यदुवंश को इस प्रकार से ब्राह्मणों के श्राप द्वारा, अपने वंश अत्याचारी उच्च श्रृंखल अपने वंश का भी उन्होंने नष्ट नष्ट कर दिया भगवान ने। इसलिए भगवान कभी पक्ष नहीं लेते सत्य के पक्ष में। राम सत्य संकल्प प्रभु, भगवान सत्य का पक्ष लेते हैं, और ब्राह्मणों का अपमान तो कभी नहीं करना। ब्राह्मणों के अपमान से देखिए कृष्ण का पूरा वंश समाप्त हो गया, कृष्ण का पूरा वंश समाप्त हो गया। इसलिए क्या कहा शुरू में परीक्षित जी ने, कहा भगवान की लीला सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, बहुत आनंद आएगा। पाप भी अगर होगा समाप्त तो हो, जिसकी रक्षा भगवान नहीं कर सकते, भगवान का नाम कर देगा।